हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य बताओ। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है कि क्वेश्चन को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे, तो देखिए लैंग्वेज हमारी यहाँ पर है और इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन आरंभ करते हैं। देखिए भाज्य के बराबर होता है, भाज्य के बराबर, देखिए इधर के बराबर क्या होता है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। और इस कॉन्सेप्ट में हम एंट्री भरेंगे, हमारे क्वेश्चन का हल हो जाएगा। देखिए भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, और यदि शेषफल 4 है, देखिए शेषफल 4 दिया हुआ है, यहां पर एंट्री भरेंगे शेषफल 4 और भाजक शेषफल का 3 गुना है। देखिए शेषफल 4, 4 का 3 गुना हो गया 12, 12 हो गया भाजक। अब यहां पर आएंगे आप, भाजक भागफल का 4 गुना है, देखिए 4 से हम भाजक को करेंगे, 4 × 12 भागफल 3 आ जाएगा। देखिए ऐसे भाजक 12 है और भागफल का 4 गुना है, तो 4 से इसे हल करेंगे, 4 × 12 तो भागफल आ गया 3, तो यहां पर हम भागफल की एंट्री करेंगे 3। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, हमारी भाज्य संख्या आ जाएगी 12 × 36 में 4 जोड़ेंगे, 36 × 4 = 40, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 40, तो भाज्य संख्या हो गई हमारी 40। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। यदि किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने, देखिए प्रत्येक सदस्य, सदस्य का मतलब मेन व्यक्तियों की संख्या, ये आदमियों की संख्या, प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दुगने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। देखिए प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या के दुगने रुपए दिए और उन रुपए की कुल संख्या हो गई 3042 रुपए। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या यानी कि व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। आप देखिए इसको हल करेंगे आसानी से, 2 से इसको काटेंगे, 2 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 15, 1521 बार। तो यहाँ एम गुणा एम कितना हो गया, एम स्क्वायर बराबर 1521 होता है, 39 का स्क्वायर, देखिए 39 का स्क्वायर होता है, और यदि आप नहीं जानते तो आप करके देख सकते हैं, 39 का स्क्वायर 9 का वर्ग 81, हासिल लगे 8, 9 × 27 = 54, 54 और 54 और 8 62 का 2 हासिल 6, देखिए 3 का वर्ग 9 और 6 = 15, देखिए 1521 आता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 1521 39 का वर्ग होता है, तो वर्ग से वर्ग कट गया तो व्यक्तियों की संख्या आ गई 39। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया, तो व्यक्तियों की संख्या ऑप्शन डी है 39। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी। देखिए 3 और 200 के बीच, सात से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी, यानी कि 3 और 200 के बीच में हमें 7 से कटने वाली संख्याएं पूछी है। जैसे 3 से पहले क्या होता है, 1, 2, उसके बाद 3, 7 अभी तक नहीं आया, 4, 5, 6, 7, 7 आया, फिर 7 तक कटने वाली 14, 7 तक कटने वाली 21, मतलब इस तरह से पूछना चाह रहा है।
वो चारा है, तीन और 200 के बीच सात से कटने वाली संख्याएं कुल कितनी होगी? तो देखिए, सात से कटने वाली संख्याएं मैंने चिन्हित कर दी आपके सामने। इस तरह की संख्याओं को पूछना चाह रहा है। सात से कटती है ये, सात के मल्टीपल वाली संख्याएं सात से कटती है, सात एकम सात दून 14, सात 21 इस तरह से, और 200 से पहला है क्योंकि 200 सात से नहीं कटती। तो कुल कितनी संख्याएं होगी? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे चेक नहीं किया करते, ऐसे तो मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, बट इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लास्ट की संख्या को ही, क्योंकि इससे पहले हमारी सात से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है, अतः इस लास्ट की संख्या को ही हम सात से भाग करेंगे। और सात से यह पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, तो जहाँ तक ये कट जाएगी उतनी ही कुल प्राकृतिक संख्या होगी जो सात से कटने वाली होगी। तो करते हैं सात से कटने वाली संख्या, देखिए सात दुनी 14, 6 बज गए हो गए 60। देखिए 60 को सात से भाग करेंगे, 7 8 56, 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, तो इसका मतलब हो गया 28 संख्याएं होगी। तो सात से कटने वाली कुल 28 संख्याएं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा? सबसे पहले हम एक से 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं, एक से 60 तक की सभी संख्याएं, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, जब क्रमागत संख्याओं का योग पूछे तो एक से 60 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालने, लास्ट की संख्या देखेंगे कितनी 60, 60 और उससे अगली संख्या 61 बटे 2 करेंगे। तो ये हमारी क्रमागत संख्याओं का योग है 60 तक। अब इसको हल करेंगे, ये योग हो जाएगा, लेकिन वो इस योग तक सवाल नहीं पूछ रहा है, आगे कह रहा है कि वह किससे विभाजित होगा योग। तो अब देखिए हम बहुत ही आसानी से देख रहे हैं, इसको विभाजित करने वाली संख्या देखनी है हमें। 13 से ये विभाजित नहीं है क्योंकि 13 के मल्टीपल में ये कोई भी संख्या नहीं है, 59 के मल्टीपल में नहीं है, 60 के मल्टीपल में है ये, पर 2 से ये पूरी नहीं कटेगी। देखो दशमलव में कोई वैल्यू नहीं मानी जाती, पूर्णांक में आंसर आना है। उसके बाद 61 से देखते हैं, देखो 61 से कट जाएगी ये, और 2 से ये भी कट जाएगी, तो पूर्ण संख्याएं कट जाएगी 61 से। या फिर आप ऐसे हल करेंगे, देखिए 2 से इसे काटते हैं 30 बार, तो हमारा योग आ गया, गुणा करेंगे 30 और 61 की 0, 3 एकम 3 और 3 6 1830, ये हो गया हमारा योग। 1 से 60 तक की संख्याओं का योग हो गया ये। अब इस योग को किसके द्वारा विभाजित किया जाएगा, देखिए 13 से नहीं कटता, 59 से नहीं कटता, 60 से नहीं कटेगा क्योंकि 60 से 0 कट गई, 6 3 18 और 3 नहीं कटेगा, आता है 61, देखिए 61 से कटेगा, 6 3 18 1 3 3, ठीक है, 6 3 18 1 3 3 0, 30 बार कटता है ये, 30 बार कटता है। तो देखिए 1 से 60 तक की संख्याओं का योग निम्न में से विभाजित होगा 61 से, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 61, 30 बार कटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस ये हल करना है और ज्यादा इसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए 3.157 गुणा 4126 गुणा 3.198 और बटे में 63.972 गुणा 2835.121, तो ये 3 दशमलव ऊपर है, 3 यहाँ है, 6 दशमलव ऊपर है, 6 नीचे है, 3 और 3 6, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। जब इसको काटेंगे हल करेंगे तो लगभग इसका मान कटने के बाद आएगा लगभग 0.22, लगभग इतना आएगा। तो इसको पूर्ण अंकों तक लिखेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव 0.2 तक, इसको शुद्ध मान तक इतने तक लिख सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में मैच कर रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.2।
इसको हल करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा, लगभग यही आएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 25 की घात 12 गुणा 10 की घात 7 गुणा 14 की घात 7 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। जैसे कि कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो एक से स्वयं से विभाजित हो जाए, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या ये बताई थी मैंने कि घातों का जोड़ी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होता है, लेकिन इससे पहले हमें दी गई आधार वाली संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 25 को हम करेंगे अभाज्य के रूप में, 5 × 5 = 25। अब 25 पर घात 12 है तो 25 के फैक्टर 5 × 5 हो गए, तो 5 की घात 12 ऐसे लिखेंगे इसको, गुणा 10 की घात 7, इसको अभाज्य पदों में तोड़ दीजिए, 5 × 10। देखिए आप ऐसे भी करते हैं, 10 की घात 7 को समझा रहा हूं मैं, 2 × 5 की घात 7, तो 2 पे भी घात 7 मानी जाती है, 5 पे भी घात 7, इसीलिए ऐसे लिखते हैं, इसकी घात 7, समझ लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद इसको भी अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे, 14 × 2 = 14, तो 2 की घात 7, 7 की घात 7। अब जैसे कि मैंने बताया था अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी है तो हमें घातों का जोड़ करना होगा, यही हमारे अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या होती है, घातों का जोड़। तो देखिए जोड़ते हैं अब हम इनको, 7 × 7 = 14 + 14 = 28 + 30 + 32 + 20 = 52। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखें 4 की घात 61 + 4 की घात 62 + 4 की घात 63 + 4 की घात 64 निम्न में से किससे विभाजित होगी? देखिए विभाजित बाद में देखेंगे, पहले इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए सभी का आधार समान है, तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या होगी उसको हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए आधार सभी का समान है तो घात जिसकी छोटी होगी वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। देखो 4 की 61 + 63 + 64 आधार समान है तो 4 की घात 61 छोटी संख्या है इनके अकॉर्डिंग, तो हमने कॉमन ले लिया 4 की घात 61। अब इस कॉमन संख्या से पूरी संख्या कट जाएगी एक बार, प्लस आधार समान है तो 62 में से 61 घात घटा देंगे, जब भाग देते हैं आधार समान हो तो घात घट जाती है, 62 में से 61 घटाई 1, 4 की घात 1 = 4 लिखेंगे, प्लस 63 में से 61 घटाई 2, 4 की घात 2 = 16 लिख देंगे। देखिए 4 की घात 2 = 16, 4 का वर्ग 16। 64 में से 61 4 की घात 3 हो जाएगा, 64 लिख देंगे, 4 की घात 3 = 64 कहते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, अब इनको जोड़ लेंगे, 64 + 16 = 70 + 80 = 85 = 85 हो गया ये हमारा। और अब हम 4 की घात 61 को इस तरीके से लिखेंगे जिससे हमारी विभाजित हो जाए संख्या, क्योंकि ये पूछ रहा है निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, 4 × 4 की घात 60। देखिए 4 की घात 61 को 4 की घात 60 × 4 ऐसे लिखेंगे। अगर इसे हल करने लगे, घात एक है यहाँ, 60 है, आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, 60 + 1 = 61 वही चीज आ जाएगी, लेकिन इसको हम भाग करके देखना है तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं। अब देखिए 4 की घात 60 तो ऐसे ही रहेगा, 4 की घात 60 और इनकी गुणा हो जाएगी, 4 × 5 इन दोनों की 85 और 4 की, 4 × 5 = 20, 2 × 4 = 32 + 34 ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको हल करने के बाद ये हो गया। अब यहाँ से हमारी कौन सी संख्या कट रही है ये देखते हैं, देखो कौन इसको काट रही है। देखिए 340 को 3 नहीं काटेगा, 10 काट सकते हैं क्योंकि एकांक 0 है,
ग्यारह से नहीं कटेगा, तेरह से नहीं कटेगा, तो इसको भाजक संख्या करने वाली है दस, दस से यह पूरी कट जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया दस। ऑप्शन बी है, बहुत ही आसान सवाल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं, और आगे आएंगे मैं अपने आप पढ़ा दूंगा आपको। अब नेक्स्ट देखिए, किसी बांस के 0.1 0.1 भाग को कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिख देना 1/10, पॉइंट हटा के बटे 10, और का मतलब प्लस 5/8 भाग। 1/10 प्लस 5/8 भाग क्रम से मिट्टी और पानी में है ये, तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई क्या होगी? तो पहले ये देख लिए मिट्टी और पानी में कितना भाग है, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 40 आ जाएगा, 10/8 का एलसीएम, 10 × 40, 4 × 4, 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25, तो हमारा हो गया 25/4 = 29/40। ये भाग मिट्टी और पानी में है और शेष बचा भाग पानी के ऊपर है, तो शेष कितना रह गया, 40 में से 29 घटाएंगे, 11/40, ये शेष भाग रह गया, और इधर कह रहा शेष है 2.75 मीटर। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट हो गया, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल हो गया ये, देखते हैं। देखो 11 से इसे भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, मारनी नहीं चलेगी, 11 की 2 पे तो पॉइंट हटा के यहाँ हो गया 27, 11 × 2 = 22, 5 रह गए हो गए 55, 11 × 5 = 55 कट गया। अब 40 की 0.25 में गुना करेंगे, देखो 10 आता है, 40 की गुणा इसमें करेंगे, 40 × 0.25, ये 10 है हटा देंगे, बटे 100 कर लेंगे, देखिए 25 × 100, 4 × 2 = 40, 10 आ गया ना, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 10 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, देखिए 1/3 भाग भोजन पर, और अपनी आय का 2/5 मकान पर, तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। तो देखिए पहले हम इन तीनों भागों को जोड़ लेंगे कि कितना खर्च हो रहा है, तो इनका एलसीएम आ गया 15, 3 × 5 = 5 कैल्शियम, 15 × 3 = 15, 5 × 5 देखिए हल कर रहे, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6 प्लस 5 × 3 = 3 देखिए 6 × 3 = 9, 5 = 14/15 इतना भाग खर्च हो गया है, तो शेष कितना रह गया, 15 में 14 घटाएंगे, 1/15 शेष रह गया, और इधर कह रहा है उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया यहाँ, शेष बराबर शेष, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो हमारा शेष 1/15 है और उसका शेष 400 रुपये है, शेष से शेष को हल करेंगे तो उसकी आय आ जाएगी, देखिए 15 की 400 में गुणा करेंगे तो उसकी आ जाएगी 15 × 60, 2 × 0 ये 6000 रुपये। तो देखिए उस व्यक्ति की आय आ गई 6000 रुपये, ऑप्शन सी है 6000 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो दो कर्मागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, योग पूछा है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब देखिए यदि इस क्वेश्चन को हल करेंगे एक्स वाई वगैरह या कुछ भी सूत्र वगैरह का आप यूज करेंगे काफी टाइम लगेगा, तो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी आते हैं वो आप सेकंडों में कर सकते हैं। देखिए इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं आपको, देखिए दो कर्मागत सम संख्याओं का योग पूछा है और उनके वर्गों का अंतर 84 है, तो देखिए योग आ जाएगा यदि उनके वर्गों के अंतर का आधा कर दे, 84 का आधा कर दीजिए तो 42 × 84 है 42, तो दो संख्याओं का योग आ जाएगा 42, ऑप्शन सी है 42। अब देखिए क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग हल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए
जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ उदाहरण के अकॉर्डिंग, जैसे कोई दो संख्या चार व छह है, कर्मागत सम संख्या, देखो दो कर्मागत सम संख्या है। अब यो कह रहा है इनके वर्गों का अंतर, छह का वर्ग 36 और चार का वर्ग 16, दोनों के वर्गों का अंतर हो गया 20, तो नुगे उन दोनों संख्याओं का योग बताए। तो जैसे कि देखिए ये आ गया क्वेश्चन, दोनों के वर्गों का अंतर 20 है, और जैसे कि मैंने कहा है वर्गों के अंतर का ये आधा कर दीजिए, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। देखिए 20 का आधा कर दीजिए आप, दो दाई 20, तो दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। देखिए ये रही वे दो संख्याएं, चार और छह को जोड़ लीजिए 10, ये आ गया दोनों संख्याओं का योग। ऐसे ही यहाँ पर मैंने वर्गों के अंतर का आधा कर दिया, 42 आ गया, तो दोनों सम संख्याओं का योग आ गया। देखिए 42 योग, ऐसे ही मैंने यहाँ, तो इस तरह के दुनिया भर के क्वेश्चन कर सकते हैं। और ले लीजिए, देखो एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, कोई भी 8 और 10 ले रहे हैं हम, दोनों के वर्गों का अंतर 10 का वर्ग 100, 8 का 64, तो कितना हो गया 36 बच गया। देखिए इनका अंतर 36 और वर्गों के अंतर का आधा कर दीजिए, देखिए 36 बटे 2 कितना हो गया 18, तो ये दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। देख लीजिए 8 और 10 को जोड़ लीजिए, 10 8 18 दोनों संख्याओं का। दुनिया भर के 6 जितने क्वेश्चन कर सकते हो आप, इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से कर सकते हो। तो जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आप आसानी से वर्गों के अंतर का आधा कर दीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा एक उदाहरण और देखिए, यहाँ कर्मागत सम संख्या दी है, विषम संख्याएं भी आ सकती है, इसको और देख लीजिए। कर्मागत विषम संख्याएं, जैसे मैं ले रहा हूँ 3 5, अब इनके वर्गों का अंतर 5 का 25 होता है, 3 का 9, वर्गों का अंतर 16 हो गया, 25 में 9 गए 16, उसका आधा कर दीजिए 2 8 16, तो दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। देखिए विषम के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगता है और कर्मागत सम संख्याओं के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।